الإنسان اللي صابر اللي واثق لي عملي وأنا الأمدة من لساني يقرا قولي ربي زدني علما. صدق الله العظيم. محترم صدري محفل اي يارو تحصيلدار اي دي بابورا برنسبل ديجري كوليج تنما تريدي ديگر سوپروائزرز تیری طلبہ و طالبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوستان کی ایک باڈی ہے جسے آٹونومس باڈی اور ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کے نام سے جانتے ہیں. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک حال ہی میں آرڈر جاری کیا ہے. उस आर्डर के हिसाब से लास्ट पे जो पहुंचता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हेड होता है. सो अल्लाह साहब हैं, वो आर्डर उन तक पहुंचा. उस आर्डर के हिसाब से उन्हें कहा गया कि आज 28 अप्रैल को डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम जो कि यानी वोटर अवेयरनेस फोरम के नाम से जाना जाता है. इसमें क्या है, क्योंकि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं उन्होंने या तो 18 इयर्स एज अटेन की हुई प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज इनके साथ मुंसलिक स्टाफ मेंबर्स सुपरवाइजर साहिबा की जो अहमियत होती है और उनके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट की कारकर्दगी होती है, जो डिपार्टमेंट ने तैनात किए होते हैं आपके सहूलियात के लिए, आपकी सहूलियात को वहां पहुंचाने के लिए, इस हवाले से मैं हमारे सुपरवाइजर मोहतरम खान साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है. मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसरन इस पे रोशनी डाले. तो अभी सर आपके पास फैसिलिटी है, देवर साहब आपके पास आएंगे तो आप उनसे करेक्शन करवा दीजिएगा. अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उनके पास आप दर्ज कर सकते हैं. इस वक्त गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी की है, डोंट गो सर्वे आज और कल चलेगी. आपके हर जगह पे बूथ लेवल ऑफिसर्स है जो आपके घरों में आएंगे और आप कॉम्प्लीट करेंगे. आप तवज्जो से 2 मिनट दे दें. अगर आपके घर में कोई वोटर है जो अभी जिसका अभी इंदिराज नहीं हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप उनको दे दें. तो इसी के साथ मैं एक बार फिर ऑन बिहाफ ऑफ वर्दी आप साहब और अपनी टीम के साथ से मोहतरमा प्रिंसिपल साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ पर फैसिलिटेट किया. उसी के साथ मैं इनसे बहुत ही बड़ा गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पे आके हमें अपने इख्तितामी खिदमत से नवाजे. मोहतरमा प्रिंसिपल साहब, सर आज यहाँ पे जो है समरी रिवीजन हुआ तो इस हवाले से हमें तफसील बताइए क्या खास था इस समरी रिवीजन में. देखिए जो हमारा अभी इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है स्पेशल समरी रिवीजन 2023, तो ये जो है अभी अप्रैल से स्टार्ट हुआ. क्वालिफाइंग डेट जो है इसमें 1 अप्रैल 2023 जो 18 ईयर्स एज जो भी अटेंड करता है तो उसको इंक्लूड करना है एज वोटर किसी भी स्टेशन को. अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आज की डेट में जो ये हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं इसमें इंक्लूजन जो है 6 मई तक जो है इंक्लूजन होगा और फाइनल जो ड्राफ्ट पब्लिश होगा वो 27 को. तो इसी समरी रिवीजन के प्रोग्राम में जो हमारी एक्टिविटीज़ को लेकर के आज भी हमारी एक्टिविटी थी जो अवेयरनेस की और इंक्लूजन की, वो हमारे डिग्री कॉलेज क्रेरी में हुई. तो इसका जो है आस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट यही था कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हमारे हैं सिटीजन जो एज एलिजिबल वोटर्स हैं उनको जो है इसमें ऐड किया जाए. और प्लस नेक्स्ट जो है अगर किसी जगह जो ऑलरेडी एडेड है अगर कहीं करेक्शन है कहीं भी किसी के नाम में या किसी भी पर्टिकुलर्स में तो इस टाइम जो है हम अपने इलेक्ट्रॉनिक रोल को जो है अपडेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो करेक्शन भी कर सकते हैं. प्लस उसके अलावा जो है अगर कोई जो है हमारा जो आने वाले टाइम में कोई फ्यूचर वोटर जो ऐड हो रहा है तो उसकी भी एक जो है डाटा बेस जो है कंटिन्यूसली तैयार हो रही है. तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वोटर अवेयरनेस को लेकर के जो इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर के है वो भी इस प्रोग्राम का जो है खास हिस्सा था. तो इसमें मेरी जो है हमारी जो टीम्स जो हैं कंटिन्यूसली सुपरवाइजर्स और ब्लॉक बीएलओ लेवल पे जो है काम कर रही हैं
इसमें जो है मेरी यह रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी हमारे सिटीजन है जो 18 ईयर्स प्लस जो है अटेंड कर चुके हैं वो कम फॉरवर्ड करें। तो हमारा इसमें फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100% जो है सिटीजन जो 18 प्लस हैं उनका जो इंक्लूजन हो, और दे आर टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर्स सो देट दे आर अ पार्ट ऑफ आवर इलेक्टोरल रोल। और हमारी कोशिश है कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का वागुरा क्रीरी का, ये जो है इसको जो हम प्योरीफाई करें और हेल्थ पैरामीटर जो है इसके जो है चेकअप जो है चेक करके जो है हम इसको जो है फाइनल रोल की शक्ल में लाएँ। तो इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ जो है इसमें चलेंगी एज पर जो हमारे पास शेड्यूल जो नोटिफाइड है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंक्लूजन जो 100% हो। थैंक यू सर।